जनपद मुरादाबाद की 29 कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर काफी गहमागहमी का माहौल है और कुंदर की सीट जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक रैली निकाली गई और अंबेडकर पार्क में एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी व पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने संबोधित किया और सभी लोगों से अपील भी की कि भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजें, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास चाहती है। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने पूजा अर्चना के बाद जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में कई दिग्गज नेता साथ रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। सभी साथी दलों के साथ मिलकर ये तो पीछे रहे हैं, सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आईडी नीचे करो, मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल नीचे करो भाई, आठ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी नीचे करो यार, और हमारा पूरा परिवार कुनबा नीचे तो कर, पूरी ताकत के साथ स्वदेश हमारी सरकार का जो काम काज है, लेखा जोखा उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार के प्रति लोगों का समर्थन हमें मिला है उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कुंदरकी सहित सभी सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए जीतेगा। लगातार कांग्रेस जो है 5 सीटों की बात करती रही पूरे चुनाव को लेकर, लेकिन अब उन्हें एंड में एक भी सीट नहीं मिली। समाजवादी साइकिल साइकिल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। जो सीट पर पिछली बारी सीट पर बैठे थे राहुल गांधी और अगली सीट पर बैठ के चलने का सपना देख रहे थे, वो समाजवादी पार्टी ने उनसे छीन ली। और निश्चित रूप से ये विपक्ष का जो स्वार्थी लोगों का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। और मैं कांग्रेस के लोगों से निवेदन करूँगा कि वो अपना सिंबल और कार्यालय समाजवादी पार्टी को समर्पित कर दें।